हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ का चौथा टॉपिक है जिसका नाम है गुणनखंड एवं गुणज। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ मैथ्स की तैयारी करते रहिए और साथ में एक आप जब वीडियो देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर बैठें, क्योंकि बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स आपके लिए आएंगे कि उनको आप लिखिए, उनका नोट्स बनाइए, क्योंकि आप एग्जाम टाइम के लिए जब रेडी होंगे जाने वक्त तो आप वीडियो तो खोलकर देखेंगे नहीं, आप जाहिर सी बात अपने नोट्स को देखेंगे। तो आप अपनी एक नोट्स बनाइए, हिंदी की, मैथ्स की, या जो भी सब्जेक्ट है सबका एक अलग नोट्स बनाइए और उसी नोट्स से आप पढ़िए। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं क्या है गुणनखंड और गुणज। तो पहला देखते हैं क्या है गुणनखंड। गुणनखंड क्या है? गुणनखंड, कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, कोई संख्या, गुणनखंड पहले आप समझ लीजिए कि गुणनखंड क्या है, यानी कि किसी का गुणा के हिसाब से, गुणा के हिसाब से अगर हम उसको खंडित कर दें यानी कि तोड़ दें तो वो गुणनखंड होता है। तो क्या है ये, कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, एक संख्या है जो किसी दूसरी संख्या से अगर पूर्णतः विभाजित हो जाती है अर्थात कोई शेषफल नहीं बचता, तब दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। जैसे 6 के गुणनखंड 1, 2, 3 और स्वयं 6 है। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि कोई संख्या है अगर हम उसको गुणनखंड मतलब कि उसको काटने के बेस पर जिस संख्या से वो पूरी तरह विभाजित होता ही है, ऐसे संख्या में अगर उसको हम डिवाइड कर दें, तोड़ दें, तो वो उसका गुणनखंड होता है। अब गुणज क्या है, गुणज देखते हैं। गुणज किसी संख्या के गुणज का मतलब होता है गुना। जैसे हम बोलते हैं ना 1 गुना 2 गुना 3 गुना, तो गुणज का तात्पर्य गुना से ही है, मल्टीपल्स। तो ये आप पहले शब्दों के अर्थों को ध्यान दीजिए और जो इसका डेफिनेशन है वो तो आपको अनायास हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर आपको ये गुणज और गुणनखंड का फैक्टर जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये अच्छे से याद होगा। आप अगर इसकी डेफिनेशन को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, याद करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस चीज़ को समझना। अगर आप उस चीज़ को याद कर लें तो निश्चित है कि आप आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये जो चीज़ आप याद करते हैं वो हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन जो आप समझ लेते हो आपके जीवन भर के लिए हो जाता है। हालांकि वक्त का इस पर धूल पड़ता है, आप उस धूल को साफ करते चलिए, सब ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं गुणज। गुणज में होता है, हमने बताया कि गुणा यानी कि किसी चीज़ का गुणा करना, गुणा करना, जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना, तो यही गुना है। देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। किसी संख्या के गुणज या अपवर्त उस संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है, यानी कि किसी और संख्या से हम उसका गुणा कर दें उस मूल संख्या का, तो हमको गुणज प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संख्या के पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या उस संख्या के गुणज या अपवर्त कहलाती है। यानी कि जब हम उसमें किसी संख्या का गुणा करते हैं तो उससे जो प्राप्त होता है वो उस संख्या की गुणज होती है। जैसे अब यहाँ दिया है 5 के गुणज हैं, 5 का ही पहाड़ा हम आगे पढ़ते चलें तो वो उसका गुणज हो जाएगा। 5 में 10 का गुणा करते तो जो संख्या प्राप्त होती है वो 5 का गुणज है, लेकिन वो 10 गुणज है, 10 गुना। तो 5, 10, 15, 20 ये क्या है, 5 के गुणज है। गुणनखंड यानी कि मूल संख्या को हम छोटा कर देते हैं, गुणज यानी कि मूल संख्या को हम जस्ट बड़ा बना देते हैं, लेकिन गुणा के ही बेस पर। यहाँ पे इसको काटने का पैटर्न बनना चाहिए, 6 को काटने के लिए जो संख्या मिलनी चाहिए 6 को काट सके, जबकि हमको आगे गुणज में ऐसी संख्या का चुनाव करना है जिसे 5 काट सके। तो देखते हैं इसके महत्वपूर्ण परिणाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो पहला है 1, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड 1 है, यानी कि 1 वो संख्या है जो हर एक संख्या का गुणनखंड होती है। अगर किसी भी संख्या को हम तोड़ें तो उसका गुणनखंड पहले 1 ही आता है। जैसे 3 को तोड़ना, 3 को हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन उसका गुणनखंड 1 है, क्योंकि 3 को हम 1 से काट सकते हैं और उससे छोटी संख्या कोई नहीं है, या तो 1 है या तो स्वयं 3 है। अगला है दूसरा,
प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। यदि अगर हमने अभी कहा कि तीन, तीन को अगर हम लेते हैं, अगर तीन किसी और संख्या से नहीं कटती, एक के अलावा तीन किसी और संख्या से नहीं कटती, तो तीन ही उस संख्या का गुणनखंड होगी। जिसे कहते हैं ना, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड ही, तो वहाँ तीन ही अपने आप में गुणनखंड होगी। तीसरा क्या है, किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम या बराबर होता है। किसी संख्या का गुणनखंड तोड़ने वाला है, खंड है, टूट रहा है। किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम या उस संख्या से बराबर होगा। भाई हम उसे तोड़ रहे हैं और ऐसी संख्या ढूंढ रहे हैं जिससे वो संख्या कट जाए। जैसे कि हमने यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे हमने छः आपने देखा अभी, अब इसको हमको तोड़ना है, तो या दो से कटेगा या तीन से कटेगा या तो छः से स्वयं से कटेगा। तो यानी कि जो गुणनखंड होगा या ज़्यादा से ज़्यादा छः होगा, इससे बड़ी संख्या वो नहीं हो सकती। यही चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि किसी संख्या गुणनखंड या तो उस संख्या से कम या बराबर होगा। या तो हमने ये देखा कि यहाँ पे छः जो है, या तो इसके बराबर संख्या होगी या फिर इससे कम, इससे ज़्यादा संख्या नहीं हो सकती। ये गुणनखंड का नियम है। अगला क्या है, प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। यानी कि किसी संख्या को कितनी संख्या काट सकती है फिक्स है। जैसे अब छः को हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको इसके गुणनखंड कितने हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक भी आएगा अभी, एक दो तीन चार, यानी कि इसके गुणनखंड चार हैं। छः के गुणनखंड चार हैं, यानी कि एक निश्चित ये हो गया, एक निश्चित संख्या है कि छः को चार संख्याएँ काट सकती हैं। आगे क्या है, किसी संख्या का गुणज, गुणज यानी कि गुना, किसी संख्या का गुणज उस संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। क्या बोला है, किसी संख्या गुणज उस संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। यानी कि जब हम उसी संख्या को और गुणे के बेस पर बढ़ाते चले जाएं, तो जो संख्या वो प्राकृतिक गुणनफल होता है, उसमें कोई हेरफेर नहीं होता, वो सेम टू सेम वही संख्या होगी जो प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं। अगला है, प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। जो कोई भी अगर हम संख्या ले, तो वो स्वयं ही किसी संख्या की गुणज होती है। यानी कि पाँच है, तो अगर हम काट इसे पाँच से भी काट सकते हैं, तो यानी कि ये पाँच संख्या की गुणज पाँच स्वयं है। किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर या उससे बड़ा होता है। बोला पाँच लेते हैं, देखते हैं क्या है, क्या है उससे बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो पाँच का हम अगर गुणज लेते हैं, तो हमारा आता है पाँच, दस, पंद्रह, बीस, पच्चीस। इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे बड़ा ही होगा। यानी कि पाँच के गुणज हैं वो हमारे पाँच, दस, पंद्रह, बीस। पाँच तो स्वयं वो गुणज, पाँच का ही गुणज करना है, तो हमारा क्या है, दस, पंद्रह, बीस, पच्चीस। इसी तरह से हम चले आगे तक जाएंगे। इससे गुणज का मतलब होता है मूल संख्या से बड़ी संख्याएं। अगला क्या है, किसी प्राकृतिक संख्या के गुणजों की गिनती करना संभव नहीं है। दिया है किसी प्राकृतिक संख्या के गुणजों की गिनती करना संभव नहीं है। जैसे ये पाँच आप देख रहे हैं, अगर हम इसको इसी क्रम में बढ़ाते चलाएं, तो हम अनंत तक पहुँच जाएंगे और ये गुणज खत्म नहीं होगा। ये पाँच के गुणज कहलाएंगे और ये पाँच का गुणज अनंत। इसी से पाँच का नहीं, हम अन्य संख्याओं के गुणज को भी देखें तो ये अनंत तक चले, यानी कि उनकी गिनती करना संभव नहीं है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या है, उभयनिष्ठ अपवर्त क्या है। इसमें देखिए, उभयनिष्ठ कोई संख्या दो या दो से अधिक संख्या का उभयनिष्ठ अपवर्त कहलाती है। यदि वह प्रत्येक संख्या का अपवर्त हो, जैसे चार और छः का उभयनिष्ठ अपवर्त 48 है। उभयनिष्ठ अपवर्त, अपवर्त का मतलब भी आप देख चुके हैं, अपवर्त में होता है गुणज, गुणज यानी कि गुना, गुना होता है। तो गुना है, यहाँ दिया है चार और छः का गुना, यहाँ पे 48 दिया, लेकिन हम आपको दूसरा दिखाते हैं। जैसे कि चार और छः का गुणज करना है, तो हम चार का पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे,
और 6 का। फिर हम देखेंगे तो गुणज का जब ऐसा आपसे पूछा जाता है तो गुणज में आप पहले सबसे छोटी संख्या का निर्धारण करेंगे, क्योंकि ये तो अनंत तक जाएंगी, गुणज संख्या आपकी अनंत तक जाएंगी तो आप कहाँ तक जाएंगे। तो गुणज जब आपसे पूछा जाता है तो आप सबसे छोटी संख्या का चुनाव करेंगे, सबसे छोटी संख्या गुणज में। तो आपकी सबसे छोटी संख्या पहले देखते हैं कि कैसे है। 4 का गुणज है 4, 8, 12, 16, 20, इसी तरह से आगे चले जाएंगे। 6 का गुणज है 6, 12, 18, 24। अब हमको उभयनिष्ठ मिस होता है कि जो दोनों में हो, आपको ऐसी संख्या का चुनाव करना है जो दोनों में हो। तो देखिए 6 आपका इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 8 मैच नहीं कर, आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे 12 मैच कर रहा है, 12 मैच कर रहा है। हम इसे अगर 4 का पढ़ा हम आगे भी ले जाएं तो यहाँ पे 24 आएगा, तो यहाँ पे 24 भी मैच कर रहा है। ये देखिए 24 भी यहाँ मैच कर रहा है, लेकिन हमारा 24 नहीं माना जाएगा, 24 नहीं माना। क्यों? क्योंकि इस तरह से हम चलते चले जाएं तो आगे भी हमको बहुत सारी संख्याएं मिलती चलेंगी, लेकिन हम पहला मानते हैं पहला, तो पहला हमारा 12 है। तो यहाँ पे आता है कि हमारी 4 और 6 की उभयनिष्ठ जो अपवर्त संख्या है वह है 12। अब अगला देखते हैं, अगला इसमें दिया है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। गुणनखंड मिस होता है उसको गुणनखंडों में तोड़ना। जैसे 24 और 36 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 4 है, क्योंकि 4 × 6 = 24 और 4 × 9 = 36। ये एग्जाम्पल है, हम आपको दूसरा दिखाते हैं। वह उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि हमको एक ऐसी संख्या का निर्धारण करना है जिससे 24 भी कट जाए और 36 भी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे पीछे बताया भी गया है कि आपका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो मूल संख्या से छोटी संख्याएं होंगी। तो हम 24 तक की सभी, इन दोनों में छोटी संख्या ये है, तो इस छोटी संख्या के हम अंदर की सभी संख्याओं को कलेक्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या है, किस किस संख्या से 24 कट रहा है। तो 1, 2, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से कट रहा है। 24 आ गए, यहाँ 24, यहाँ 24। अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे। अब दिया है 36। 36 का देखते हैं क्या है, 36 एक से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से कट रहा है 36। तो अब आप, हम उभयनिष्ठ दिया है, हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड खोजना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो देखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड किस से 24 और 36 कट रहा है। अब हमको 24 तक के अंदर की सभी संख्याएं देखनी होगी। तो आप देख रही हैं यहाँ पे ये से कट रहा है 6, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, ये दोनों कट रहे हैं, और यहाँ पर आपका आता है 1, 12। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं ऐसी हैं जिससे ये दोनों संख्याएं कट रही हैं। तो ये इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, यानी कि हम 12 से भी 36 को काट सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी और 6 से भी। तो ये हमारे जो ये संख्याएं प्राप्त हुई 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये ऐसी संख्या है जिससे हम इन दोनों संख्याओं को काट सकते हैं। तो ये हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब आगे देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसका डेफिनेशन देखते हैं, किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हों, अभाज्य जो नहीं कटते, जो भाज्य यानी कि जो भज नहीं सकते, जिन्हें काटा नहीं जा सकता या छोटा नहीं किया जा सकता, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य ने काटा नहीं जा सकता। तो क्या है, किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हों तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 18 के अभाज्य इतने 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 हैं। अब यहाँ दिया है कि 18 के अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड जिसके गुणनखंडों को और छोटा न किया जाए। अभाज्य मतलब कि उसको और हम भाग नहीं कर सकते। तो 18 के गुणनखंड देखते हैं, 18 को हम इतने भाग, अब हमको ऐसी संख्या से बांटना है जो गुणा करने पर हमारा 18 आए। जैसे कि अब 2 का गुणा हम करेंगे 3 में, 2 × 3 = 6। अब 6 का गुणा करेंगे हम 3 में, 6 × 6 = 12, 6 × 3 = 18। अब आप देखिए 18 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि ये और ये बराबर हैं, दोनों ये बराबर है, सिर्फ उसका देखने में रूप परिवर्तित है।
अब हम इसको इससे छोटा नहीं कर सकते, तो ये 18 का अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा, 18 का अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से अगर हम 6 का करें तो हम क्या पाएंगे, 2 × 3 × 2, यानी कि 6 बराबर 3 × 2, हम 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। 6 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 2 है, जबकि 18 का अभाज्य गुणनखंड है 2 × 3 × 3, ये 18 का अभाज्य गुणनखंड है। अगला है हमारा सह अभाज्य संख्याएं, जैसे 2 संख्याओं का 1 के अतिरिक्त यदि कोई भी साझा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उन्हें असहभाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 3 और 5 15 और 17। यहाँ देखते हैं इसको, असहभाज्य यानी कि जो आपस में सहभाज्य न हो, तो क्या है देखते हैं, 3 और 5, 3 और 5 को देख, 3 और 5 का कोई गुणनखंड नहीं है, या तो वो 1 है या तो वो स्वयं वो संख्या है, और यही 5 का भी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 के अलावा सहअभाज्य जो संख्याएं होती हैं उनका गुणनखंड या तो स्वयं 1 होता है, 1 होता है, या तो वो स्वयं संख्याएं होती हैं। इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 की हम गिनती नहीं करते, यहाँ देख रहे हैं या तो इनमें से कोई भी ऐसी संख्या जो नहीं है जो आपस में मैच कर रही है दोनों संख्याओं में, तो ये हो गई आपकी असहभाज्य संख्याएं, यानी कि दोनों में मेल मिलाप नहीं बन पा रहा है, यह असहभाज्य संख्या। इसी तरह से 17 और 15 का देखिए, 17 का गुणनखंड 1 या तो 17 होगा और 15 का 1, यानी कि इनमें से कोई भी संख्या आपस में मैच नहीं कर रही, तो ये हो गया आपका असहभाज्य संख्याएं। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक हमारा आज यहीं पे ख़त्म होता है, आपको पसंद आया होगा तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ज़रूर, और अगले नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।